पुरातन दोस्तों, फिलहाल हम लोग अभी नदी पे मछली मारने जा रहे हैं। देख सकते हो, ये मेरा भाई सोता भाई, मेरा मामा जी का बेटा। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि मछली यहाँ पे किस तरह से मारा जाता है, देख सकते हो। और पीछे की तरफ आ रही है मामी जी, आ रही है। फिलहाल नदी यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, शायद 15 मिनट या 20 मिनट लगेगा नदी तक पहुँचने में। तो देख सकते हो रास्ता इसी तरफ में है। फिलहाल 15 मिनट के बाद आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरह से मछली मारते हैं हम लोग। है मामू घर पे बैठे हुए हैं, देख सकते हो मामा जी। फिलहाल देखिए, और प्रिसा भी है, देखिए। हाय हाय बोलो प्रिसा। तो कथा कथा ले मामू दे ना मु ए चेतुंगा दी बुच्ची लोग मारने के लिए जा रहा है। देखो कैसा लग रहा है। तो इसको क्या करेगा कत्ल को? इसको नदी में जाके खाएगा। अभी नदी मिलने वाला है। तो देख सकते हो मेरा, देखो बिरदार लोग को इतना मस्ती से जा रहे हो। देखो देखो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? देखो भाई लोग, ये बहुत दिन का बाद आया, इसलिए हम लोग मछली मारने के लिए जा रहे हैं। और मैं इन लोग का साथ जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, किस तरह से मछली मारते हैं दिखाने के लिए। तो मैं आज लोग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि मेरा ब्रदर लोग किस तरह से मछली मारते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हम तीनों अभी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं नदी, तो बने रहेगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। देखिए देखिए, यहाँ पे एक नाला है छोटा सा, देख सकते हो। फिलहाल इस बस्ती में मैं हूँ, उस बस्ती का नाम है देवापुरी। पहुँच चुके हैं डींगरी बार पे। तो अभी मेरा भाई लोग मारने वाला है मछली, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरह से मछली मारते हैं यहाँ पे। फाइनली वी रीच एट द रिवर। यू कैन सी ऑफ माई बैक, दैट्स द रिवर ऑफ डींग। My dear friends, now we're gonna show you how we catch fish here, and you can see the big river, big river, very very big river. देखो कैसा करके मछली मारता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हुक जाल। अभी इसी हुक जाल से मारने वाले हैं मछली। तो दिखाते रहता हूँ मैं आप लोगों को भाई किस तरह से मछली मारते हैं। छोटा मछली आ गया, देखो दोस्त लोग, मछली लेकिन छोटा है ना, बड़ा मछली नहीं मिलता। दोस्तों छोटा छोटा मछली, कुछ मछलियां फंस चुके हैं। कैसा करके मछली मारता है हम? जीडू बनामा देखो दोस्त लोग, लेकिन छोटा है ना मछली, बोरा वाला नहीं मिलता है। अगर नाला बोरा होगा तो, पानी बोरा होगा तो बोरा वाला ही मिलता है। दोस्तों कैसे लग रहे हो आपको? जान लो अगर वीडियो देखना है तो थोड़ा मेरा भैया को सब्सक्राइब कर दो वीडियो ना। नए है तो बोरा नहीं है, देखो एक तो पास गया है सिर्फ, एक छोटा सा, एक थोड़ा सा बड़ा सा, पहले से थोड़ा बड़ा एक लंगूर मछ पच चुका है। एक कोरी वाला है, वाके मछ है ये। एक तो ये पास चुका है सिर्फ इधर में, ओ दो पास गया। कभी कभी ज्यादा नहीं पसता है, एक दो तो ही पसता है, देख सकते हो। रात होने से मिल रहा है, अभी दिन है ना।
ओ दोस्तों वीडियो बदल वाला है सब्सक्राइब करी दो। तो सकमा भाषा से बोला है कि मेरा बेरेदार वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे इसी तरह से मछली मारा जाता है ज़्यादातर, लेकिन आज ज़्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी थोड़ा कम हो गया है। तो मेरा भाई कह रहा था कि पानी अगर नदी तरफ बढ़ता है तो मछली ज़्यादा मिलता है। अभी हम लोग कटल खाएंगे, देखो अच्छा है कि नहीं है, टेस्ट करेंगे अभी फिलहाल मैं पास। तो कैसा है? बहुत मीठा है वो। बहुत मीठा है ना? हाँ। तो मुझे एक दीजिए। खाके देखो भैया, मैं ट्राई करके देखता हूँ। हाँ सही में मीठा है, मीठा है, सही है, मीठा है ना। बहुत मीठा है। कितना हतलो जा है, देखियो अच्छा है ना। बहुत अभी मजा से खाएंगे ना। हाँ मजा से खाएंगे अभी। वाह इतना मीठा है वो, हम जिंदगी में ऐसा कटल नहीं देखा है वो। वाह बहुत ज्यादा मीठा है ना। हाँ पूरा नींद आता है खाने से। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ। मीठा है ना, देखो ना दोस्तों, सही में बहुत मीठा है। देखो भैया लाया है मच्छी मार के, हम लोग कत्ल कर रहे हैं। देखिए ब्रदर को अभी मछली मार के लाया है। चक्रूड है ये फिलहाल कटल, हम लोग बोलते हैं हटोल और इसको बोलते हैं होजा। देखिए दोस्तों फिलहाल होजा तो सोता सोता है, देखने में कलरलेस लग रहा है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। आवा। निकल रहा है फिलहाल ये अभी। बाय बाय दोस्तों, देख सकते हो हम लोग नदी पार होने जा रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा नदी है फिलहाल। मेरा भाई तो ऑलरेडी पार हो चुका है और ये पार हो चुका है यार। हम लोग रुको रुको रुको, मैं आता हूँ वहाँ पे। फाइनली दोस्तों पार हो चुके हैं। देखिए पार हुआ है अभी मेरा बेरेदार को, फाइनली हम लोग पार हो चुके हैं। कितना बड़ा नाला है देख सकते हो, कितना बड़ा नदी है। फाइनली पार हो चुके हैं। देखिए किस तरह से पार हुआ है मेरा बेरेदार, पूरा इतना इतना हो गया पानी जो मेरा पूरा भीग गया। देखिए पूरा भीगा हुआ है। मेरा सोता भाई तो ऑलरेडी पार हो चुका है। देखिए दोस्तों अभी मच्छी मारने के लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। उधर मैंने मिला है उस साइड में तो विस्तार में पार हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो हम लोग अभी नदी का किनारे किनारे नीचे की तरफ में जा रहे हैं। मेरा देखिए मेरा बगल पे मेरा पीछे पीछे आ रहा है मेरा सोता भाई मामा जी का बेटा, और मेरा एक भाई आगे जा रहा है फिलहाल जाल पकड़ते हुए मछली जाल। तो देखिए यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए कितना शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। मिला कि नहीं? एक तो आ गया हो, सिर्फ एक आ गया सिर्फ। दोस्तों धीरे धीरे शाम हो रहा है, देख सकते हो रात भी हो रहा है। तो अभी फिलहाल उतना मिला नहीं है मछली। तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो इसी तरह से यहाँ पे मछली मारा जाता है।
जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। तो वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। तो अभी बारिश भी आने वाला है शायद, अंधेरा अंधेरा भी हो रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड पर, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।